नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं सांसद सावित्रीबाई फूले जी के यहाँ पर। बहुजन समाज की आवाज़ को कहीं भी उन्होंने रुकने नहीं दिया है और बहुजन समाज की बात को बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने अपने पार्लियामेंट में रखा है। हमारे साथ हैं सावित्री जी। सावित्री जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम। सावित्री जी, एक बात बताइए कि अगर ये 5 साल बाद आपको बीजेपी सरकार छोड़ने का कैसे रहा, क्या कारण रहे, उनके बारे में बताएं। देखिए, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत मैं बहराइच सुरक्षित सीट से सांसद का चुनाव जीतकर आई हूँ। और जब से मैं 2014 में चुनाव जीती हूँ, तब से लोकसभा में लगातार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यक समाज के साथ में जो अत्याचार, अन्याय, शोषण बड़े पैमाने पर हुआ है, उसको लेकर लोकसभा में जब भी विषय को रखती थी तो वहाँ पर मुझे मेरी बात को दलित होने के नाते हमारी बात अनसुनी कर दी जाती थी। यही नहीं, बाबा साहब ने भारत के संविधान में आरक्षण के तहत अनुसूचित जात और जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में आरक्षण के तहत उनको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज पूरी तरीके से ना तो कार्यपालिका में और ना तो न्यायपालिका में अनुसूचित जात और पिछड़ी जाति जनजाति के लोगों को बराबर की भागीदारी नहीं मिली, जिसको लेकर मैं लोकसभा में उठाती रही हूँ। लोकसभा में एक बार नहीं, कई कई बार भारत के संविधान और आरक्षण को लागू करने के लिए लोकसभा में मैं मांग करती रही हूँ, लेकिन मेरी बात को अनसुनी कर दी जाती रही। यही नहीं, ये बीजेपी दलितों की पार्टी नहीं है, पिछड़ों की पार्टी नहीं है, आदिवासी की पार्टी नहीं है। मैं इतने दिनों में रह करके मैंने देख लिया कि अगर सुरक्षित सीटें ना होती तो किसी भी अनुसूचित जात और जनजाति को ये टिकट ही नहीं देते। इनकी तो मजबूरी है कि सुरक्षित सीट होने के नाते ये दलितों को, आदिवासियों को टिकट दे करके और चुनाव जिता के लाते हैं, तो ये अपना गुलाम बना करके रखते हैं। अपनी बात को दलित और पिछड़ा आदिवासी समाज के लोग अपनी खुलकर बात लोकसभा में और चाहे वो मीटिंगों में नहीं कह पाते हैं। मैंने जब जब समाज के साथ जो घटनाएं हुई मैंने बात को रखी, तो मेरी बात को हर समय मुझे दबाने का प्रयास किया गया, रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं हमेशा कहती थी कि मैं बाबा साहब के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत जीत के आई हूँ और बाबा साहब का एक सपना था कि जब सुरक्षित सीट से सांसद का चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुँचेंगे तो भारत के संविधान में दिए गए कानून जो बहुजन समाज के लिए हैं, वो कानून को लोकसभा में लागू करा करके बहुजन समाज के लोगों को बराबरी में पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन जब भी मैं आरक्षण की बात करती थी, संविधान की बात करती थी, तो बीजेपी के जो शीर्ष नेता थे वो मुझे बुला करके मना करते थे कि आप जिस तरीके से बातें कर रही हैं इससे एक सवर्ण समाज के लोग नाराज हो जाएंगे और आप आरक्षण संविधान की बात मत करिए। लेकिन मैंने कहा कि हम तो संविधान के तहत सुरक्षित हैं, हम संविधान के तहत आज सांसद बने हैं, संविधान में जो कानून दिया गया है आखिर क्या कारण है कि उसको आप लागू नहीं कर रहे बल्कि आप हमको रोक रहे हैं। तो अगर संविधान लागू नहीं होगा तो हमारे देश के बहुजन समाज का अधिकार न मिला है न मिल पाएगा, इसलिए मैं निरंतर आवाज़ को उठाती रही हूँ। और बीजेपी के जो सरकार में जो मंत्री हैं और चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, मैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते हैं वही करते हैं। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को समाप्त नहीं करेंगे और दूसरी तरफ आरक्षण को इतनी बारीकी से समाप्त कर दिया कार्यपालिका में, बाबा साहब ने विभाग बना करके और अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिया था जिसको उन्होंने कार्यपालिका में बारीकी से समाप्त किया कि विभाग को उन्होंने प्राइवेट कर दिया और प्राइवेट विभाग में इन्होंने आरक्षण की व्यवस्था दिया ही नहीं, तो आरक्षण हमारा तो स्वतः समाप्त कर दिया। और अनुसूचित जाति के लिए ना तो नौकरी है, ना तो रोजगार है, ना तो उनके लिए कोई व्यवस्था है। आज हमारा समाज दर दर की ठोकर खा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पूरी भारत में और उत्तर प्रदेश में प्रतिमाएँ लगातार तोड़ी जा रही हैं, प्रतिमा तोड़ने वाले लोगों की गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, प्रतिमा जो तोड़ते हैं उनके खिलाफ आखिर क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं साजिश के साथ बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ करके देश के बहुजन समाज के लोगों का अपमान किया करने का प्रयास किया जा रहा है।
यही नहीं, 9 अगस्त को लोकसभा चल रही थी उस दौरान जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान की प्रतियां जलाई गईं, भारत के संविधान का मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, आरक्षण मांगने वालों को आरक्षण देने लेने वालों को जूता मारो सालों को ये कह करके पूरे देश के बहुजन समाज को अपमान किया गया। लेकिन संविधान का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ ना तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखा गया और ना ही उनकी नागरिकता समाप्त की गई। ऐसी स्थिति में यही नहीं, बीजेपी का मंत्री बोलता है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद बोलते हैं कि हम भारत के संविधान आरक्षण को ऐसा समाप्त करेंगे कि रहना न रहना बराबर होगा। बीजेपी के जो प्रमुख है आज की सरकार तो आरएसएस की सरकार है, आरएसएस का प्रमुख बोलता है मोहन भागवत कि हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे, भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे, ये कहकर पूरे देश के बहुजन समाज के लोग उनका अपमान करने का किया गया। और यही नहीं, पूरे देश का दलित पिछड़ा आदिवासी और मुस्लिम समाज पूरी तरीके से चिंतित है, इसलिए कि इनकी साजिश है, बीजेपी की साजिश है आरक्षण को समाप्त करना और भारतीय संविधान को समाप्त करके वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने होली जलाई थी, मनुस्मृति को जलवाने का काम किया था, आज उसी मनुस्मृति को फिर वो ला करके देश के बहुजन समाज के लोगों को वो गुलाम बनाना चाहते हैं। मैं तो कहना चाहती हूँ कि देश का अगर दलित पिछड़ा आदिवासी अल्पसंख्यक समाज सुरक्षित है तो भारत के संविधान के दिए गए कानून के तहत सुरक्षित है, इसलिए भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे अच्छा संविधान वो भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए तो भारत में चिराग उठा करके गरीबी ढूंढी जाए, भारत में गरीबी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं निरंतर मैं मांग कर रही हूँ 2014 में जब से चुनाव जीती हूँ तब से लोकसभा हो और चाहे वो सदन से सड़क तक, मैं लगातार मांग कर रही हूँ कि आरक्षण और संविधान पूरी तरीके से लागू किया जाए।